नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचकन, वेलकम टू VTVC बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड के शहंशाह व बिग बी अमिताभ जी के बारे में। आज हम जानेंगे उनके बायोग्राफी और उनके फिल्मी करियर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। वे हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से भी ज़्यादा वक्त बिता चुके हैं। अमिताभ जी को उनकी फिल्मों से एंग्री वुमन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माना जाते हैं। उन्हें लोग सदी से महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से उन्हें बिग बी व शहनशाह भी कहते हैं। अमिताभ जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और उनके माता का नाम तेजी बच्चन। उनके एक छोटे भाई भी हैं और उनका नाम है अजिताभ बच्चन। अमिताभ जी का नाम पहले इंकिलाब रखा गया था, मगर उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया था। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे बॉलीवुड के शहंशाह व बिग बी के उस समय से होकर इस समय के उनके फिल्मों का सफर कैसा रहा। अमिताभ जी ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों के रूप में, उनमें से उत्पल दत्त, मधु और जलाल जैसे कलाकारों के साथ अभिनय कर अमिताभ जी ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवगुंतक का पुरस्कार जीता। दोस्तों, इस फिल्म के बाद अमिताभ जी कई फिल्मों में अभिनय कर उनके प्रभावशाली अभिनय से देश में सारे लोगों का दिल जीत लिया। उनमें से कई फिल्म हिट, सुपरहिट व ब्लॉकबस्टर साबित हुए। तो आइए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं 1969 में रिलीज हुई फिल्म 7 हिंदुस्तानी। इस फिल्म में अमिताभ जी ने अनवर अली के नाम से अपना किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए अमिताभ जी एज ए बेस्ट न्यू कमर नेशनल अवार्ड जीते थे। 1971 में उनकी फिल्म आनंद रिलीज हुई और इस फिल्म में अमिताभ जी ने डॉक्टर भास्कर बनर्जी के नाम का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए अमिताभ जी ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। उसी साल 1971 में अमिताभ जी की और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था प्यार की कहानी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने राम के नाम से किरदार निभाया था। उसी साल 1971 में अमिताभ जी की और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था परवाना और इसमें अमिताभ जी ने कुमार सेन के नाम से अपना किरदार निभाया था। 1971 में उनकी और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी रेशमा और शेरा, जिसमें अमिताभ जी ने छोटू के नाम से अपना किरदार निभाया था। उसी साल गुड्डी फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने स्पेशल अपीयरेंस कर लोगों का दिल जीता। 1971 में उनकी फिल्म संजोग रिलीज़ हुआ था और जिसमें अमिताभ जी ने मोहन के नाम से अपना किरदार निभाया था। बॉम्बे टू गोवा, ये फिल्म 1972 को रिलीज़ हुई थी और जिसमें अमिताभ जी ने रवि कुमार के नाम से अपना किरदार निभाया था। बंसी बिरजू, और ये फिल्म 1972 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने बिरजू के नाम से अपना किरदार निभाया था। 1972 में उनकी फिल्म एक नज़र रिलीज़ हुई थी
और इस फिल्म में उन्होंने मनमोहन त्यागी आकाश के नाम से अपना किरदार निभाया था। 1972 में उनकी और एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रास्ते का पत्थर, और इस फिल्म में अमिताभ जी ने जयशंकर राय के नाम से अपना किरदार निभाया था। जवान, ये फिल्म 1972 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने दालाजीत के नाम से स्पेशल अपीयरेंस किया था। 1973 में उनकी फिल्म जंजीर रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने इंस्पेक्टर विजय खन्ना का नाम से अपना किरदार निभाया था। 1973 से लेकर 1983 तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के ऐसे स्टार बन गए कि वे देश में लोगों के दिलों में बस गए। उनके अच्छे अच्छे फिल्म इस पीरियड में रिलीज होकर उनको एक ऐसा स्टार बनाया था जिसे लोग अभी भी बुला नहीं सकेंगे। 1973 में उनकी और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था बंदे हाथ। इस फिल्म में अमिताभ जी ने शामू और दीपक, और इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल का किरदार निभाया था। 1973 में उनकी और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था गहरी चाल, और इस फिल्म में उन्होंने रतन के नाम से अपना किरदार निभाया था। नमक हराम, ये फिल्म 1973 को रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने विक्रम विक्की के नाम से किरदार निभाकर इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। 1973 में उनकी और एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम अभिमान था, जिसमें उन्होंने सुबीर कुमार के नाम से अपना किरदार निभाया था। सौदागर, ये फिल्म 1973 को रिलीज़ होकर 1973 में रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने मोती के नाम से अपना किरदार निभाया था। दोस्त, ये फिल्म 1974 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने अमिताभ जी ने आनंद के नाम से एक स्पेशल अपीयरेंस में अपना किरदार निभाया था। कसौटी, 1974 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म और इसमें अमिताभ जी ने अमित के नाम से अपना किरदार निभाया था। बेनाम, ये फिल्म 1974 को रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने अमित श्रीवास्तव के नाम से अपना किरदार निभाया था। रोटी कपड़ा और मकान, ये फिल्म 1974 को रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने विजय के नाम से अपना किरदार निभाया था और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। कुंवारा बाप, ये फिल्म 1974 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने एंटोनिक के नाम से अपना किरदार निभाया था एक स्पेशल अपीयरेंस के रोल में। मजबूर, ये फिल्म 1974 को रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने रवि खन्ना के नाम से अपना किरदार निभाया था। दीवार, ये फिल्म 1975 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय वर्मा के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए अमिताभ जी ने बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। 1975 में उनकी फिल्म जमीर रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने बादल के नाम से अपना किरदार निभाया था। शोले, ये फिल्म 1975 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने जय के नाम से अपना किरदार निभाया था और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फरार, ये फिल्म 1975 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने राज के नाम से अपना किरदार निभाया था। चुपके चुपके, ये फिल्म 1975 को रिलीज़ हुई थी और इसमें अमिताभ जी ने सुकुमार सिन्हा के नाम से अपना किरदार निभाया था। मिली, ये फिल्म 1975 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने शंकर दयाल के नाम से अपना किरदार निभाया था। दो अनजाने, ये फिल्म 1976 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अमित रॉय के नाम से अपना किरदार निभाया था। कभी कभी, ये फिल्म 1976 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अमिताभ मल्होत्रा के नाम से अपना किरदार निभाकर
बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने थे। हेरा फेरी, ये फिल्म 1976 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय के नाम से अपना किरदार निभाया था। अदालत, ये फिल्म 1976 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म ने अमिताभ जी ने डबल रोल का पोषण किया था और इस फिल्म के लिए वे बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। अमर अकबर एंथोनी, ये फिल्म 1977 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने एंथोनी के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए वे बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। इमान धर्म, ये फिल्म 1977 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अहमद रज़ा के नाम से अपना किरदार निभाया था। खून पसीना, यह फिल्म 1977 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने शिवा के नाम से अपना किरदार निभाया था। परवरिश, ये फिल्म 1977 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अमित के नाम से अपना किरदार निभाया था। आलाप, ये फिल्म 1977 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने आलोक प्रसाद के नाम से अपना किरदार निभाया था। गंगा की सौगंध, यह फिल्म 1978 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने जीवा के नाम से अपना किरदार निभाया था। कस्मे वादे, यह फिल्म 1978 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अमित शंकर के नाम से अपना किरदार निभाया था। 1978 में उनकी फिल्म बेशरम रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी राम कुमार चंद्रा के नाम से अपना किरदार निभाया था। त्रिशूल, यह फिल्म 1978 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय कुमार के नाम से अपना किरदार निभाकर बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। 1978 को उनकी फिल्म डॉन रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने विजय के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए वे बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। मुकद्दर का सिकंदर, यह फिल्म 1978 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने सिकंदर के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए वे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के लिए चुने गए थे। द ग्रेट गैम्बलर, यह फिल्म 1979 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने जय और विजय के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म में उन्होंने एक गाना भी गाया था, दो लफ्ज़ों की कहानी। दोस्तों, 1979 में अमिताभ जी की फ़िल्म जुर्माना रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने इंदर सक्सेना के नाम से अपना किरदार निभाया था। मंजिल, यह फिल्म 1979 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अजय चंद्रा के नाम से अपना किरदार निभाया था। मिस्टर नटवर लाल, यह फिल्म 1979 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने अवतार सिंह के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म में उन्होंने गाना भी गाया था, मेरे पास आओ, और वे इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। काला पत्थर, ये फिल्म 1979 में रिलीज़ हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय पाल सिंह के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए अमिताभ जी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के लिए चुने गए थे। सुहाग, यह फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अमित कुमार के नाम से अपना किरदार निभाया था। दो और दो पांच, यह फिल्म 1980 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय और राम के नाम से अपना किरदार निभाया था। दोस्ताना, यह फिल्म 1980 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय वर्मा के नाम से अपना किरदार निभाकर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के लिए चुने गए थे। राम बलराम, यह फिल्म 1980 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने बलराम सिंह के नाम से अपना किरदार निभाया था। शान, यह फिल्म 1980 को रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय कुमार के नाम से अपना किरदार निभाया था और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। याराना,
यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने किशन कुमार के नाम से अपना किरदार निभाया था। बरसात की एक रात, यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने ACP अभिजीत राय के नाम से अपना किरदार निभाया था। नसीब, यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने जॉनी के नाम से अपना किरदार निभाया था। लावारिस, यह फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने हीरा के नाम से अपना किरदार निभाया था और यह फिल्म फिल्मफेयर अवार्ड के लिए एज ए बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुआ था। सिला, यह फिल्म 1981 में रिलीज हुआ था जिसमें अमिताभ जी ने अमित मल्होत्रा के नाम से अपना किरदार निभाया था और यह फिल्म बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ जी को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। कालिया, यह फिल्म 1981 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी ने कालिया के नाम से अपना किरदार निभाया था। सत्ते पे सत्ता, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी ने रवि आनंद के नाम से अपना किरदार निभाया था। बेमिसाल, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी ने डॉक्टर सुधीर रॉय के नाम से अपना किरदार निभाया था और इस फिल्म के लिए वे फिल्मफेयर अवार्ड के लिए एज ए बेस्ट एक्टर चुने गए थे। देश प्रेमी, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी ने मास्टर दीनानाथ राजू के नाम से अपना किरदार निभाया था। नमक हलाल, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने अर्जुन सिंह के नाम से अपना किरदार निभाकर फॉर द बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। खुद्दार, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुआ था और इस फिल्म में अमिताभ जी गोविंद श्रीवास्तव और छोटू उस्ताद के नाम से अपना किरदार निभाया था। शक्ति, यह फिल्म 1982 को रिलीज हुआ था, इस फिल्म में अमिताभ जी ने विजय कुमार के नाम से अपना किरदार निभाकर फॉर द बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवार्ड के लिए चुने गए थे। अंधा कानून, यह फिल्म 1983 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी ने महान, यह फिल्म 1983 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी इंस्पेक्टर शंकर के नाम से अपना किरदार निभाया था। पुकार, यह फिल्म 1983 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अमिताभ जी रामदास के नाम से अपना किरदार निभाया था। 1983 में उनकी और एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था कूली और इस फिल्म में अमिताभ जी इकबाल ए खान के नाम से अपना किरदार निभाया था। और दोस्तों, यह फिल्म अमिताभ जी के लिए कुछ भारी साबित हुई थी। इस फिल्म में वे एक सीन में बुरी तरह से वो जख्मी हो गए थे और लोगों ने उनके ठीक होने के लिए बहुत मन्नतें मांगे थे। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो बच गए थे। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी 1984 से 1990 तक अमिताभ जी के फिल्मों के बारे में हम उस पार्ट में आपसे बात करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। आपसे फिर से मुलाकात होगी।